जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में जिन तीन स्टॉक्स पे हम स्टडी करने वाले हैं, ये तीनों ही स्टॉक्स जो है लगभग 50 रुपए के नीचे काम करते हैं। एंड ऑलमोस्ट तीनों स्टॉक्स जो है वो बैंक्स हैं। यस, तीनों स्टॉक्स जो है बैंक्स हैं। इन तीन स्टॉक्स पे हम स्टडी करने वाले हैं। मैं नाम बता दूं, सबसे पहले IDBI बैंक है, फिर पंजाब नेशनल बैंक है PNB, एंड फिर है बैंक ऑफ इंडिया। ऑल्सो मैं बता दूं, अगर लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है एंड आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है एंड वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं ना, तो ही इन तीनों स्टॉक्स के बारे में आपको सोचना है, तीनों स्टॉक्स पे ध्यान रखना है, तीनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं आप। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है, अगर कैपेसिटी है वॉलेटिलिटी को झेलने का, हाई रिस्क टेकिंग आपका मतलब यू नो प्रोफाइल है, तो ही आपको इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या करना चाहिए। तो चलिए अब स्टडी शुरू करेंगे। उसके पहले पिछले दिनों हमने जिन स्टॉक्स पे स्टडी की थी उसका अपडेट मैं आपके सामने पेश करूंगा। मार्केट जैसे आप देख सकते हैं प्रेजेंटली थोड़ा सा हल्का नेगेटिव हो गया है, बट अगर आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में रहोगे, मतलब जिन स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे हैं वहां पे अगर आपके पैसे रहेंगे, तो सीधी सी बात है पैसे आपके बनने ही वाले हैं। अभी देख लीजिए मार्केट प्रेजेंटली मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़ा सा नेगेटिव काम कर रहा है, बट हमने जिन स्टॉक्स में स्टडी की थी वहां पे अपडेट गया है। सबसे पहले समझ लो कौन से स्टॉक से पहले रेजिस्टेंस को क्लियर कर रहे हैं। पहले रेजिस्टेंस मतलब ब्रेकआउट होने के बाद पहला जो लेवल था उसको छू लिया है LTTS 5200 यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, फिर पावर ग्रिड 225, फिर नेटवर्क 1896 को हिट कर दिया है, टाटा पावर 250 और अजमेरा रियलिटी 365। ये अच्छे स्टॉक्स जिन्होंने पहला रेजिस्टेंस हिट कर दिया है। नेक्स्ट कौन से दो स्टॉक्स जिन्होंने अपना दूसरा रेजिस्टेंस हिट कर दिया है, और वो है TV 1881 को हिट कर दिया है, फिर गेल गैस अथॉरिटी 160 को हिट कर दिया है। नेक्स्ट कौन सी वो लिस्ट है स्टॉक्स की जो नई तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। लिस्ट थोड़ी सी लंबी है और लिस्ट के नाम देख, लिस्ट में नाम क्या है देख लीजिए। सबसे पहले मार्क्सन्स फार्मा 54.4 उसके ऊपर काम कर रहा है, टेक्नो इलेक्ट्रिक 261.8 उसके ऊपर काम कर रहा है, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 223.6, पॉलीकैप 2540 के ऊपर, GTPL 202 के ऊपर, बिरला टायर 23.1, बिरला मनी 64 के आसपास काम उसके ऊपर काम कर रहा है। एंड बिरला टायर बिरला मनी ऑलमोस्ट पिछले दिनों ही स्टडी की थी। इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स जिसके भी हम बात कर रहे हैं हमने पिछले कुछ दिनों में ही स्टडी की थी, आप जाके स्टडीज जो है रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। फिर NLC इंडिया यानी कि नेवले लिग्नाइट 66, उदयपुर सीमेंट 33, मन्नापुरम 122 को निकालने की कोशिश कर चुका है, मारी को 525 उसके ऊपर काम कर रहा है, लास्ट मैंने 540 के आसपास देखा है, फिर IB रियल 111, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर बेहतरीन FMCG कंपनी 2102 के ऊपर काम कर रहा है, फिर HDFC AMC 2308, HDFC ग्रुप में तेजी क्यों है सभी को पता है, फिर M&M फाइनेंस 169 के ऊपर काम कर रहा है। तो इस तरह से अच्छे स्टॉक्स में अगर हम रहेंगे तो कभी भी जो है हमको प्रॉब्लम जो है नहीं होने वाली है। फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में रहना है तो प्रॉब्लम बिल्कुल होगी नहीं। एंड ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट, ये देखो ये इस बॉक्स को पहले समझ लो, 40 रुपीज एंड 33 रुपीज, दिस इज द लेवल फॉर दोस जिनको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, कैपेसिटी है, क्षमता है एंड वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट को जो है मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा, तो ये देखिए सबसे पहले स्टॉक का जो हाई पॉइंट है उसको मैं जोड़ दूंगा, यहाँ पे सारे हाई पॉइंट्स को क्लियर कर देता हूँ। देखो सारे हाई पॉइंट्स जोड़ दिए तो समझ में क्या आ रहा है, ऑलमोस्ट पूरी तैयारी है इस रेंज के आसपास से निकलने की। एंड अब मैं क्या करूंगा, सारे लो पॉइंट्स को भी जोड़ देता हूँ। ये देखिए सारे लो पॉइंट्स भी जोड़ दिए, तो क्या समझ में आ रहा है कि स्टॉक जो है फॉलिंग वेज पैटर्न में काम कर रहा है अभी भी एंड उसमें से निकला नहीं है। अब स्टॉक के लिए जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा लेवल बन गया है, उसके लिए मैं बेसिक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। देख लीजिए ये मैंने कर दी लाइन ड्रॉ। अब देखिए स्टॉक जो है इसके ऊपर लंबे समय से निकल नहीं पा रहा है, कब से देखिए जनवरी महीने के आसपास उसके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से फरवरी की शुरुआत में गया, नहीं निकल पाया। तो स्टॉक जो है यहाँ पे देखिए ये जो रेंज है उसको किस तरह से निकालने की कोशिश कर रहा है वो देखिए। अब आगे जाके कुछ इस तरह का एक्शन हो सकता है, अपनी एक बेसिक कर्व पैटर्न को स्टॉक जो है कम्प्लीट करने की कोशिश कर सकता है। एंड जो हाइएस्ट क्लोजिंग है इस रेंज की वो है इस दिन की, इट इज 13th January 52.4, उसके बाद इस लेवल के ऊपर स्टॉक कभी बंद नहीं हुआ है, 13th January 2022, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं लेवल यहां पे लिख देता हूं, इसके ऊपर बंद होगा तभी देखने मिलेगी बड़ी तेजी, दैट इज 52.4। इस तरह से स्टडी करना है हर एक चीजों को। नेक्स्ट कौन सा वो लेवल है नीचे की तरफ अगर टूट जाता है तो नुकसान जो है बढ़ जाएगा, वो है 42 रुपीज, इसको रखना है ध्यान। तो ट्रेडर जो है उनकी रेंज बन गई 42 ऊपर की तरफ 52, मतलब रेंज के जिस हिस्से में पहले आया ट्रेडर्स थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, समझो भाई 45 चल रहा है तो समझो थोड़ी गिरावट हुई 43 रुपीज़ का आया तो 1 रुपये के रिस्क के साथ खरीद लिया, फिर ऊपर समझो 50 आया, 51 आया, 49 आया, फिर अपना पोजिशन खाली कर दिया, बेच दिया, तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड होता है। ट्रेडर्स अपनी छोटे रिस्क के साथ काम कर सकते हैं। अब
52.4 के ऊपर स्टॉक अगर बंद होना शुरू होता है तो आने वाले 1 से 3 महीने में, अगर लगातार कुछ दिन बंद होता है, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, तो जिस रेंज में जा सकता है वो है 57 एंड 62। इस ये जो रेंज है इसमें स्टॉक जा सकता है। आप इसको एक रेंज मान लो, एक जोन मान लो, दो टारगेट मान लो, यहाँ पे जो है स्टॉक जाके आराम से बैठ सकता है। एंड ये तीनों स्टॉक जो है बड़ी तेजी के लिए जाने जाते हैं। एक एक दिन में जो स्टॉक है 5-5, 10-10, 12-12%, 15-15% की तेजी दिखाने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं, तो वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं। तो ऊपर की तरफ भी उतना ही परसेंट बढ़ता है, नीचे की तरफ भी उतना ही परसेंट घटता भी है, तो ही इसमें रहना है ऐसे स्टॉक्स में। नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक, इस स्टॉक में स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, बेसिक टूल्स को यूज करेंगे लाइक ऑलवेज। देखिए बेसिक कॉर पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट स्टॉक के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनाया स्टॉक ने वो कौन सा है, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा एंड सारे डाउट जो है क्लियर। ये लाइन को देखिए, ये लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है सबसे पहले वो समझेंगे। इसको थोड़ा सा पीछे भी मैं लूंगा एंड चार्ट को थोड़ा सा सही कर दूंगा। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, एंड द लेवल इज 41.15। इसके ऊपर बंद होना जरूरी है। अब इस लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड द इंपॉर्टेंस इज दिस, ये जो रेंज है 41.15, ये देखिए इस रेंज के आसपास जब स्टॉक आया, जो ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, तो इस रेंज के आसपास सपोर्ट लिया, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट किया, लोगों को निकलने का मौका मिला, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, निकाल नहीं पाया, फिर से नीचे आया, फिर देखे फिर से उस तरफ गया, नहीं निकाल पाया, फिर कुछ दिन ऊपर रहा बट फिर नीचे आ गया। अब उसके नीचे ही काम कर रहा है। तो 41.15 27 जनवरी की एक क्लोजिंग है, इसके ऊपर बंद होगा तब मिलेगी बड़ी तेजी। अब नीचे अगर ट्रेडर्स को काम करना है तो कौन सा लेवल जो है उसके नीचे अगर चला गया स्टॉक तो पोजीशन को छोड़ सकते हैं एंड नुकसान जो है बढ़ जाएगा, वो है 35 रुपए। तो ट्रेडर्स की यहाँ बन गई रेंज 41 रुपए, ऊपर की तरफ 35 रुपए, माफ कीजिएगा, ऊपर की तरफ 41 रुपए, नीचे की तरफ 35 रुपए, इस तरह की रेंज बन गई। एंड यहाँ पे भी देखो जस्ट लाइक IDBI स्टॉक यहाँ पे भी कुछ इस तरह से जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए अपनी पैटर्न को कंप्लीट करते हुए ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया था, यहाँ पे बड़ी वॉलेटिलिटी हो गई थी एक दिन में। देखिए 14% नीचे चला गया था बट फिर से रिकवरी करके फिर से ऊपर आ गया है। तो स्टॉक जो है ऊपर की तरफ निकल गया है एंड लंबी अवधि के लिए जिनको इन्वेस्टमेंट करना है देख लो 35-30 इस रेंज में मिला, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओनली फॉर हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आखिरी स्टॉक पे जाएंगे, स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, हाई रिस्क टेकिंग ऑलरेडी का है एंड रेंज क्या है 45 रुपीज एंड 38 रुपीज, इस रेंज में स्टॉक मिलता है देन यू कैन प्लान टू इन्वेस्ट, तब जो है आप सोच सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे भी स्टॉक में क्या हो रहा है, जस्ट लाइक IDBI बैंक यहाँ पर भी स्टॉक जो है देखिए फॉलिंग वेज पैटर्न में काम कर रहा है। बेसिक टूल्स यूज करना है, खुद ज्यादा यूज नहीं करना है, सिंपल चीजों को यूज करके काम अपना करना है। फॉलिंग वेज पैटर्न में काम कर रहा है। अब जो रेजिस्टेंस बन गया है कौन सा लेवल है, एंड द लेवल इज ये देखिए, सबसे पहले मैं कर दूंगा लाइन ड्रॉ, कहाँ पर है लाइन, इट इज हियर, ये मैंने कर दी लाइन ड्रॉ। एंड जो लेवल है वो है ये 13th December की क्लोजिंग 57.25। जस्ट इमेजिन दिसंबर महीने के बाद 57 रुपीज के ऊपर स्टॉक गया ही नहीं है एंड अभी स्टॉक धीरे धीरे करके फिर से उसके ऊपर निकलना शुरू कर रहा है। यहाँ पे देखिए 57.25। एंड जो लेवल है नीचे की तरफ वो कौन सा लेवल है, उसको तोड़ दिया तो नुकसान बढ़ जाएगा, इट इज 45 रुपए, मतलब तकरीबन यहाँ से 6 रुपए दूर है नीचे की तरफ। तो ट्रेडर्स की यहाँ पे बन गई रेंज 57.25 एंड ऊपर की तरफ, माफ कीजिएगा, ऊपर की तरफ 57 रुपए एंड नीचे की तरफ 45 रुपए, ये बन गई ट्रेडर्स की रेंज। एंड जो स्टडी आपके सामने पेश की जा रही है, पसंद आ रही है आपको तो स्टडी जो है उसको लाइक जरूर करना है, स्टडीज फॉर योर रेफरेंस पर्पस। ये लाइन का इंपॉर्टेंस देखिए लेवल का, उसके ऊपर निकला सपोर्ट लेने फिर से आया, फिर उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद कोशिश की ऊपर नहीं जा पाया, फिर से ऊपर गया नहीं जा पाया, फिर से नीचे आया, फिर से कोशिश की कुछ दिन रह पाया बट नीचे आ गया। तो 57 रुपए इज द लेवल, उसको निकालने की कोशिश होगी, अगर उसको निकाल दिया ध्यान में रखेगा बड़ी तेजी को। अब कुछ दिन लगातार 57 के ऊपर अगर बंद होता है तो कहां पे जाएगा स्टॉक, वो है 62-68 इस रेंज में आराम से जाता हुआ दिख सकता है। इसको आप एक रेंज मान लो, जोन मान लो, तो टारगेट मान लो, यहाँ पे जाके स्टॉक बैठ सकता है। सो फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा स्टडी पसंद आई है तो स्टडी को लाइक जरूर करना है, स्टडी इज फॉर योर रेफरेंस पर्पस सो दैट आप खुद से इंडिपेंडेंट हो सके, अपने डिसीजन जो है इक्विटी मार्केट के खुद के ले सके। सीधी सी बात है मेहनत की कमाई आपकी है तो डिसीजन जो है वो भी आप खुद ही लेंगे। मैं आपके सामने रोज 3 स्टॉक्स पेश करता हूँ स्टडी के लिए एंड एक स्टॉक को स्टडी करने में 2 से 5 मिनट लगते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी रोजाना कुछ स्टॉक्स को स्टडी करो, जैसे
जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, 10 स्टॉक्स है, 8 स्टॉक्स है, 12 स्टॉक्स है, 15 स्टॉक्स है, 20 स्टॉक है, उतना मतलब आधा पौना घंटा निकालिए, स्टॉक्स को स्टडी कीजिए। एंड सर सच बता रहा हूँ, अगर इक्विटी मार्केट से अगर आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया अपनी खुद की स्टडी के बेसिस पे, तो यू आर वेरी क्लोजर टू फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जरूरत है हमारे देश में, इनफैक्ट एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत सभी को होती है। सो आपसे मैं बस एक ही चीज कहूंगा, इंडिपेंडेंट हो जाइए एंड खुद ही अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाइए। एंड आपके आसपास के लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलिग्स, आपको लगता है स्टडी देख के कुछ सीख सकते हैं, उनका काम करना स्टॉक मार्केट में आसान हो सकता है, तो प्लीज स्टडी जो है उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुक्रिया स्टडी देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।